नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। किसानों की ट्रैक्टर रैली पर पाकिस्तान की नापाक साजिश। दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर रैली की इजाजत दे दी है। इस रैली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। अब इस बीच दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है कि पाकिस्तान इस रैली में परेशानी खड़ा कर सकता है। पाकिस्तान की तरफ से इसके लिए सोशल मीडिया पर भी तैयारी की जा रही है कि वह इस रैली को प्रभावित कर सके। बता दें, दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर रैली के दौरान बड़ी घटना होने के संकेत दिए हैं। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ऑफ पुलिस दीपेंद्र पाठक ने बताया कि हमें इंटेलिजेंस और कई दूसरी एजेंसियां ने जानकारी दी है कि ट्रैक्टर रैली के दौरान कोई बड़ी घटना हो सकती है, इस रैली में परेशानी खड़ी की जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। बता दें, मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक 28 व 29 जनवरी को रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग सहित कई जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के मध्य, उत्तर पश्चिम, दक्षिण भागों में 28 व 29 जनवरी को बादल छाए रहेंगे, साथ ही मेघ गर्जन के साथ बारिश भी हो सकती है। हालांकि 25 को सुबह में कोहरा की धुंध देखने को मिल सकती है। वहीं 26 व 27 जनवरी को मौसम शुष्क और आसमान साफ रहने की संभावना जताई गई है। बता दें, मौसम विभाग के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा। झारखंड में सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान चाई बसा 28.8 डिग्री, वहीं सबसे न्यूनतम तापमान गिरिडीह में 7.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पारा शिक्षक रामेश्वर उरांव के घर के बाहर धरने पर बैठे पारा शिक्षक। पारा शिक्षकों का आंदोलन जारी है। बता दें, रविवार को पारा शिक्षकों का एक समूह अपनी मांगों को लेकर झारखंड सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास के बाहर धरने पर बैठा है। इनमें पुरुष के साथ साथ महिला शिक्षिकाएं भी शामिल है। बता दें, पारा शिक्षकों के प्रदर्शन के मद्देनजर मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। DSP पूरे दल बदल के साथ खुद मौके पर मौजूद हैं। गणतंत्र दिवस को लेकर रांची में बड़ी वाहनों की नो एंट्री। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर झारखंड की राजधानी रांची में ट्रैफिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त दिखेगी। बता दें, रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित होने वाले समारोह को देखते हुए राजधानी में बाहर से आने वाले बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक शहर में बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। दूसरे जिलों से रांची आने जाने वाले वाहन विभिन्न मार्गों के सामने अंकित स्थान तक ही आ सकेंगे। बता दें, वहीं छोटे वाहनों के लिए रूट निर्धारित कर दी गई है। शिक्षा विभाग में 10,000 क्लर्कों की बहाली, सरकार ने दी मंजूरी। झारखंड के माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं अन्य विद्यालयों सहित स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तमाम कार्यालयों में पहली बार तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों पर नियुक्ति होगी। बता दें, इनमें प्रखंड से लेकर प्रमंडल स्तर तक के कार्यालय शामिल हैं। शिक्षा सचिव राहुल शर्मा ने सभी प्रमंडलों के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों से 30 जनवरी तक आरक्षण रोस्टर क्लियर कर रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। उन्होंने सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों को अपने अपने प्रमंडल के अंतर्गत आने वाली सभी विद्यालयों व कार्यालयों के रिक्त पदों की जानकारी निर्धारित फॉर्मेट में देने के लिए कहा है। पूजा भारती हत्याकांड। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग की छात्रा पूजा भारती ने आत्महत्या की थी। बता दें, अब तक की जांच में पुलिस फिलहाल इसी निष्कर्ष पर पहुंची है। हजारीबाग DIG AV होमकर ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। पूजा भारती का शव 12 जनवरी की सुबह पतरातू डैम से बरामद किया गया था। उसके हाथ पैर बंधे थे। बता दें, इसे देख छात्रा की हत्या की आशंका जताई गई थी। DIG ने प्रेस वार्ता में बताया कि घटना की जाँच के लिए SIT का गठन किया गया है। रामगढ़ SP प्रभात कुमार व हजारीबाग SP कार्तिक S के नेतृत्व में SIT काम कर रही है। घटना के एक एक पहलू की जांच की गई है। स्मार्ट सिटी में अस्पताल व कॉलेज खोलने के लिए 12 कंपनियां तैयार। रांची स्मार्ट सिटी में कॉलेज, अस्पताल समेत अन्य विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना स्थापित करने के लिए अब तक 12 कंपनियां तैयार हुई है। बता दें, इनके अधिकारियों ने रांची स्मार्ट सिटी क्षेत्र का जायजा लिया है। साथ ही रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन के अधिकारियों से बात कर नीलामी की प्रक्रिया की जानकारी ली है। गौतलब है कि आधारभूत संरचना को विकसित करने के लिए यहां 52 भूखंडों की नीलामी हो रही है। इन पर स्कूल, कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज व अस्पताल आदि खोलने के लिए आधुनिक सुविधा मुहैया कराई जाएगी। DIG SP ने नक्सल उन्मूलन अभियान में लगे जवानों की हौसला अफजाई की। पश्चिमी सिंहभूम जिला में चाईबासा पुलिस तथा CRPF के द्वारा माओवादी जीवन कंडला दस्ता के विरोध चलाए जा रहे विशेष अभियान में DIG CRPF हनुमंत सिंह रावत, SP अजय लिंडा, CRPF 60 बटालियन के कमांडेंट आनंद जेराई उग्रवाद प्रभावित तथा करमवा पहुंचकर
दुर्गम क्षेत्रों में अभियान कर रहे जवानों का हौसला अफजाई किया। मौके पर ग्रामीणों को एवं उपस्थित जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण भी किया गया। झारखंड में 54 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जो रांची से 40, बोकारो 3, चतरा 1, धनबाद 1, पूर्वी सिंहभूम 6, गढ़वा 1, हजारीबाग 1, कोडरमा 1 मरीज मिले हैं। झारखंड में कुल मौत की संख्या 1063 है। बता दें झारखंड में कुल एक्टिव केस 821 है। भारत में 13,232 नए संक्रमित की पुष्टि हुई है। भारत में कुल मौत की संख्या 153,508 है। वहीं भारत में कुल एक्टिव केस 181,480 है। दुमका पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री करेंगे झंडोत्तोलन। दुमका में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी पूरी कर ली गई है। बता दें मुख्य समारोह पुलिस लाइन मैदान में होगा, जहां 26 जनवरी की सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झंडोत्तोलन करेंगे और मिलीजुली परेड की सलामी लेंगे। पुलिस लाइन मैदान को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। बता दें झंडोत्तोलन से पहले मुख्यमंत्री पुलिस लाइन में शहीद स्थल पर श्रद्धा पुष्प अर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर रविवार को समारोह स्थल की सज्जा सुरक्षा और परेड की उपायुक्त रायश्वरी बी और पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने संयुक्त रूप से समीक्षा की। पीएम मोदी आज झारखंड की तीरंदाज बेटी सविता कुमारी से करेंगे संवाद, मिला राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर झारखंड की तीरंदाज बेटी सविता कुमारी से वर्चुअल संवाद करेंगे। बता दें सविता रांची के बिरसा मुंडा आर्चरी एकेडमी में फिलहाल तीरंदाजी की ट्रेनिंग ले रही है। वह साउथ एशियन चैंपियनशिप में भारतीय टीम की ओर से खेलने वाली है। यह चैंपियनशिप 23 से 28 मार्च तक बांग्लादेश में खेली जानी है। बता दें कि इस बार देश भर के 32 बच्चों को भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। इनमें झारखंड की तीरंदाज बेटी सविता कुमारी भी शामिल है। बिजली, सड़क और पानी की उपलब्धता के लिए कार्ययोजना तय, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 17 करोड़ की लागत से बनने वाली 132/33 केवी ग्रिड सब स्टेशन बरहेट, किताजोर, साहेबगंज तथा 132 केवी पाकुड़, राजमहल, लीलो संचरण लाइन का शिलान्यास किया। साहेबगंज का बरहेट प्रखंड पिछड़े इलाके में आता है तथा कई मूलभूत सुविधाएँ इस क्षेत्र तक नहीं पहुँच सकी है। इसे देखते हुए सरकार ने क्षेत्र के समग्र विकास के लिए समस्याओं को चिन्हित किया है। हर वादा याद है सरकार को, समय दे पारा शिक्षक, जोबा मांझी। वादा पूरा करो सरकार कार्यक्रम के तहत रविवार को एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले जिले के पारा शिक्षकों ने महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के मंत्री जोबा मांझी के पंप रोड स्थित आवास का घेराव किया। बता दें इस दौरान पारा शिक्षकों ने मंत्री को मांग पत्र सौंपते हुए स्थायीकरण, वेतनमान नियमावली लागू करने तथा पारा शिक्षकों के तत्कालीन समस्याओं के समाधान की मांग की। पारा शिक्षकों ने मंत्री से कहा कि झामुमो के नेतृत्व में अगर आज राज्य में सरकार है तो इसमें पारा शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान है। पिछली सरकार की गलत नीतियों से नाराज होकर हमने सरकार को उखाड़ फेंका था। 10 लाख के इनामी मवादी जीवन कडुलना की खोज में बड़ा ऑपरेशन। 10 लाख रुपए के इनामी मवादी जीवन कडुलना की खोज के लिए रविवार को फोर्स पोड़ाहाट के जंगलों में घुसी। बता दें पुलिस को भाकपा माओवादी जोनल कमांडर जीवन कडुलना के दस्ते के केडाबीर व स्वयं बारी की पहाड़ी में सक्रिय होने की खबर मिली है। इस खबर के बाद पुलिस और सीआरपीएफ का संयुक्त ऑपरेशन पूरे क्षेत्र में शुरू किया गया है। फोर्स सोनुआ थाना क्षेत्र के करम्बा, नचल्ला, सोमवारी और स्वयंवा आदि गांवों से सटे जंगल में दस्ते की टोह ले रही है। आईपीएस अनीश गुप्ता को मिलेगा राष्ट्रपति वीरता पदक, 37 को पुलिस पदक। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जेटिया थाना क्षेत्र के लतार कुदरी झोर में 3 साल पहले आयोजित फुटबॉल मैच के दौरान सैकड़ों की भीड़ के बीच 25 लाख के इनामी कुख्यात संदीप सुरेन उर्फ मोतीलाल सुरेन को गिरफ्तारी करने वाले तत्कालीन चाईबासा एसपी अनीश गुप्ता को वीरता पदक मिलेगा। बता दें अनीश गुप्ता वर्तमान में जैप वन के कमांडेंट हैं। वीरता पदक पाने वाले में उनके अलावा जैप वन का एक जवान राजू सोए भी शामिल हैं। बता दें गणतंत्र दिवस के मौके पर झारखंड पुलिस के कुल 38 पदाधिकारी कर्मियों को विभिन्न श्रेणियों में पदक मिलेगा। रांची के मोराबादी मैदान में गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू यह पदक प्रदान करेंगी। पीएनबी के ग्राहकों के लिए 1 फरवरी से बदल रहा नियम। हाल के दिनों में बैंक एटीएम फ्रॉड के मामले काफी बढ़ गए हैं। इसे देखते हुए पंजाब नेशनल बैंक ने 1 फरवरी से सख्त फैसला लिया है। बैंक ने अपने खाताधारकों के लिए नॉन ईएमबी एटीएम से पैसे के निकासी पर रोक लगा दी है, यानी ग्राहक शहर के किसी भी नॉन ईएमबी एटीएम मशीन से पैसे नहीं निकाल पाएंगे।
पारा शिक्षकों को जल्द मिलेगी खुशखबरी, मिथिलेश ठाकुर। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर रविवार को पलामू प्रमंडल के पारा शिक्षकों ने संयुक्त रूप से झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के गढ़वा स्थित आवास का घेराव किया। गढ़वा पलामू लातेहार जिले से बड़ी संख्या में पहुंचे पारा शिक्षकों ने जमकर नारेबाजी की तथा पारा शिक्षकों को स्थायीकरण समेत चुनाव पूर्व किए गए वादे को पूरा करने की मांग की। बता दें, पारा शिक्षकों द्वारा घेराव किए जाने के बाद मंत्री मिथिलेश ठाकुर वहां पहुंचे तथा पारा शिक्षकों से मुलाकात की। इस मौके पर पारा शिक्षकों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार पूरी तरह से पारा शिक्षकों के साथ है तथा उनके हित के प्रति गंभीर है, जल्द ही उन्हें खुशखबरी सुनने को मिलेगी। भारत छोड़ो आंदोलन में कर्पूरी ठाकुर ने निभाई थी भूमिका, भारत रत्न देने की मांग। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर रविवार को दुमका के टीन बाजार में स्थापित प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए सूबे की पूर्व मंत्री डॉक्टर लुईस मरांडी ने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी अहम भूमिका थी। इस दौरान उन्हें 26 माह जेल काटना पड़ा था। वहीं जामतड़ा जिला अध्यक्ष अभिजीत ने कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर भारत सरकार से भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की है। पारा शिक्षकों ने मंत्रियों का किया घेराव, शीघ्र होंगे स्थायी। राज्य भर के पारा शिक्षकों ने रविवार को झारखंड सरकार के मंत्रियों के आवास का घेराव किया। बता दें, आंदोलन कर रहे सभी पारा शिक्षक स्थायीकरण, वेतनमान तथा सेवा शर्त नियमावली को लेकर उच्च स्तरीय कमेटी की अनुशंसा लागू कराने की मांग कर रहे थे। मंत्रियों ने शांतिपूर्ण ढंग से घेराव कार्यक्रम कर रहे पारा शिक्षकों की मांग को जायज ठहराते हुए उच्च स्तरीय कमेटी की अनुशंसा लागू करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शीघ्र बात करने का आश्वासन दिया। झामुमो का 42वां स्थापना दिवस 2 फरवरी को। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमंडलीय समिति की बैठक सोमवार को दुमका क्लब में होगी। बता दें, बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत संथाल परगना के सभी सांसद, मंत्री, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, केंद्रीय समिति के पदाधिकारी, सभी 6 जिलों के जिला अध्यक्ष, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष व अन्य मोर्चा के अध्यक्ष व पदाधिकारी शिरकत करेंगे। बैठक में खासतौर पर 2 फरवरी को आयोजित होने वाली झामुमो के 42वां स्थापना दिवस समारोह पर गंभीरता से चर्चा के बाद अहम निर्णय लिया जाएगा। खूंटी DC SP ने किया निरीक्षण। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर रविवार को खूंटी के कचहरी मैदान में परेड का फुल ड्रेस पूर्वाभ्यास किया गया। बता दें, कचहरी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए हुए पूर्वाभ्यास परेड के अंतिम दिन उपायुक्त शशि रंजन व पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने परेड का निरीक्षण किया। कोचिंग संस्थान सिनेमाघर खोलने का अनुरोध सरयू राय। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि झारखंड में संचालित विभिन्न प्रकार के कोचिंग संस्थान तथा मल्टीप्लेक्स सहित अन्य सिनेमाघरों को कोविड नियमों से मुक्त कर खोलने का आदेश निर्गत करे। उन्होंने याद दिलाया है कि जब बाजार खुल गए हैं, विद्यालय और महाविद्यालय खुल गए हैं, तो कोचिंग और सिनेमाघर को भी खोलने में कोई विशेष नुकसान नहीं होगा। रांची, सिमडेगा व पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर होंगे सम्मानित। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर सोमवार को 3 जिलों के उपायुक्त सहित 14 पदाधिकारी सम्मानित होंगे। बता दें, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में इन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करेंगी। इस अवसर पर नए मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र दिए जाएंगे, साथ ही वरिष्ठ मतदाताओं को भी सम्मानित किया जाएगा। नाबालिग को गाड़ी दी तो अभिभावक को जेल। रांची के जिला परिवहन पदाधिकारी प्रवीण कुमार प्रकाश ने कहा है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाने के लिए नहीं दे, अगर वे वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो अभिभावक पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के रूप में 25,000 रुपये का जुर्माना या 3 साल का कारावास या उनके वाहन के रजिस्ट्रेशन को रद्द भी किया जा सकता है। देवघर में कृषि ऋण माफ करने संबंध में हुई बैठक। कृषि ऋण माफी योजना के सफल संचालन को लेकर उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में जिले के 100 से अधिक प्रज्ञा केंद्रों के संचालकों के साथ ऑनलाइन बैठक का आयोजन समाहरणालय सभागार में किया गया। बता दें, उपायुक्त ने योजना के सफल संचालन को लेकर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में किसानों की सुविधा को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा किसान ऋण माफ योजना का प्रारूप तैयार किया गया है, ताकि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना का लाभ किसानों को सफलता व सुगमतापूर्वक प्रदान किया जा सके। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल के बेल आइकन दबाइए, साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।